जब मैं उनसे मुलाकात किया था, डॉक्टर साहब सुनील शर्मा जी भी थे उस समय, और मैंने उनको कहा ये था कि ये जो आप यहाँ अपने हॉस्पिटल इटर्नल हाथ में कर रहे हो, अगर ये काम हमारे झालावाड़ के हॉस्पिटल में बन जाता है तो मैं समझती हूँ कि कितने सारे लोगों को उसका फायदा मिलेगा। आप अगर हमारी मदद उसमें कर सकते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा कुछ उनको बोलने की जरूरत ही नहीं हुई, उन्होंने तुरंत ही हाँ करके उनकी टीम को लेके यहाँ कई महीनों से काम करके आज आप में से कुछ जनों ने ऊपर हमारे ईएचसीसी हॉस्पिटल से बनाया गया आईसीयू को देखा होगा। मैंने उसको लोकार्पण अभी किया है, तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जो मैंने जयपुर के अंदर देखा है, जो मैंने इनके यहाँ देखा है, उससे कम नहीं है। और इसीलिए मैं बहुत बहुत हृदय से आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने चला के हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है कि यहाँ की जनता आपको आसानी से, ना आपकी टीम को आसानी से भूल नहीं पाएगी। जोर से ताली बजाओगे तब मैं मानूंगी। मैं सब झालावाड़ वालों को कह रही हूँ धन्यवाद देना आपने को अपने जहन में लाने की जरूरत है, क्योंकि जिसको भी आप धन्यवाद देते हो वो इतना खुश हो जाता है कि वो तैयार हो जाता है और काम करने के लिए। इसलिए ताली बजाओगे तो अच्छी तरीके से, जोरदार तरीके से बजाओगे ताकि हमारा और काम यहाँ करने में, मंजू जी और उनकी टीम आराम से आने में कोई बात छोड़ेगी नहीं। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के अंदर पीसीआर लैब और हीरा कवर मां महिला चिकित्सालय में आईसीयू का लोकार्पण हम लोगों ने आज किया है। झालावाड़ी नहीं, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी इसका फायदा होगा। और मैं उनका बोर्ड अभी देख रही थी तो उस बोर्ड के ऊपर मैंने देखा कई ऐसी चीजें थी जो ढाई गुने से लेकर 5 गुना उसमें बढ़ोतरी हो गई। जैसे डिलीवरी केसेस का जो 5,000 हुआ करते थे वो 9,000 हो गए। इस अच्छे से अस्पताल और उसकी व्यवस्था, डॉक्टर आसेरी और उनकी टीम जो संभाल रहे हैं, मैं उनको भी बहुत सारी बधाइयां आज देना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने सबने मिलकर जो इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने का काम सबके साथ जुट के किया है, वो भी मैं समझती हूँ कि अगर इतनी मेहनत नहीं की होती तो शायद इस अस्पताल को इस लेवल तक पहुंचाने में हम लोगों को कठिनाई होती। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उसके साथ साथ इस हॉस्पिटल में आईसीयू का विस्तार और आधुनिकरण भी जो किया गया है उसको देख के भी मैं अचंभे में थी। 12 बेड्स जो थे उसको बढ़ा के आज 15 बेड कर दिए गए हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इतना मशहूर अस्पताल इटर्नल हार्ट केयर सेंटर की विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय भी अब हम इसके द्वारा ले सकते हैं। थैंक यू मंजू जी। मैं इसमें और भी इसमें देखना, पहले मैं धन्यवाद देना शुरू करूं। धन्यवाद को ईआईसीयू के अंदर हम अपग्रेड करने का काम करेंगे। और ईआईसीयू जब आपकी अपग्रेड होगी तो ये सुन लो, तो हम चाहते हैं जैसे इनका इंटरनल हार्ट केयर हॉस्पिटल माउंट साइनाय एक बहुत बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है अमेरिका में, डॉक्टर शमीम शर्मा वहां फैकल्टी है, और डॉक्टर शमीम शर्मा ने अपने अस्पताल को उसके साथ जोड़ दिया है, तो कभी भी कंप्यूटर्स और इंटरनेट के द्वारा आपको किसी मशहूर डॉक्टर के साथ क्या बोलते हैं राय मशवरा करना चाहते हो तो वो तुरंत ही उसके अंदर पहुंच के, और उसके साथ क्योंकि उनके साथ कनेक्टिविटी है वो तुरंत ही उनके साथ बात कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि झालावाड़ में सेकंड ऐसा अस्पताल हो जाए कि इनका ये काम को इस्तेमाल करते हुए हम भी माउंट साइनाय से जुड़ जाएं, तो ये बहुत बड़ा काम हम लोगों के लिए हो जाएगा। और आने वाले समय में जुड़ेगा तो पूरे राजस्थान में ये सेकंड हॉस्पिटल होगा जो माउंट साइनाय जैसे बड़े अस्पताल के साथ जुड़ने का काम इसमें हो जाएगा। तो सब समझ लो कि झालावाड़ का छोटा सा कोना अमेरिका के बड़े से बड़े कोने के साथ जुड़ जाएगा, तो कोई छोटी बात नहीं है। तो आप किसी का भी हार्ट की प्रॉब्लम किसी की है तो सोच लेना कि भैया अपना एक बहुत अच्छा अस्पताल है, यहां आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हीरा कवर पर
जनाना अस्पताल में 5 बेड का आईसीयू, 2 बेड का स्टेप टाइम आईसीयू, उसको भी हम लोगों ने विकसित किया है। और अभी नव विकसित आईसीयू में एनेस्थेटिक और ऑब्स्टेट्रिशियन की सेवाएं अब मरीजों को, ऑब्स्टेट्रिशियन भी गायनेकोलॉजी समझेंगे, बेटर समझेंगे, ये तो नहीं समझेंगे, तो एनेस्थेटिस्ट और गायनी, ये आपको इनके सर्विसेज बराबर मिल जाएंगे। जहावर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मैं चाह रही हूं कि आप में से कुछ जन जब मेरे चली जाती हूं तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर चले जाओगे तो उसमें बहुत लगे हुए हैं, उन बहुत को पढ़ने की कोशिश करना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम कहां से उठ के 25 साल के अंदर कहां तक आए। पुराने डॉक्टर्स हैं कोई यहां, डॉक्टर सुषमा जी है और हाँ 2-3 है, वो मुझे ध्यान है कि कोई बीमार अपना हो जाता था तो अपने को हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ता था, तो उनकी वार्ड के अंदर ना तो लाइट होती थी ना सफाई अच्छी तरह से, जितना डॉक्टर सफाई कर सकते थे उतना करते थे, परंतु बहुत छोटा उस जमाने में तो बहुत अच्छा हुआ होगा, परंतु अब बढ़ती जनसंख्या के बीच में बहुत छोटा हो गया। आज धीरे धीरे अपना सपना पूरा होने जा रहा है और मैं समझती हूं कि इतना हाईटेक आपका यह अस्पताल बन गया कि मध्य प्रदेश के लोग भी यहां की सेवाएं लेने आ रहे हैं, छोटी बात नहीं है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के अंदर ये डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो मैं समझती हूं कि बहुत बड़े एडवांस कॉलेजेस के अंदर होता है, वो आज इनके पास है। एक ऑटोमेटेड PCR लेबोरेटरी भी अब स्थापित कर दी गई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इस आधुनिक लैब के अंदर आप अगर देखोगे तो स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, टीबी, इनके बीमारियों के जो टेस्ट हैं वो तेजी से अब आपको मिल जाएंगी और समय पे मरीजों को चिकित्सा मिलेगी। अभी तक तो आपको कोटा जाना पड़ता था, कोटा से फिर आपको जयपुर जाना पड़ता था, अब यहां आएंगे सब आपकी टेस्टिंग कराने के लिए। और मैं समझती हूं कि आपके साथ के इस क्षेत्र के लोगों को कोई भी माने इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। अभी मैं सीटी स्कैन देखने को भी गई थी, सीटी स्कैन में सीटी का वो जहां स्कैन होता है उस कमरे के अंदर किसी का सीटी हो रहा था, हम लोग अंदर चले गए। 15 सेकंड के अंदर स्कैन में ये मालूम पड़ गया कि उसकी बीमारी क्या थी, और 10 मिनट के अंदर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो वहां पहुंच के नीडल डाल के ड्रेनिंग करने का काम करके और उसके बीमारी को सुलटने का काम कर सकता है। 15 सेकंड में मालूम पड़ जाता है कि आपकी कौन सी बीमारी है और इस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, यह भी बहुत बड़ा काम है, ये तो अपन सोच भी नहीं सकते थे कि अपने यहां हो रहा है। बेहतर से बेहतर चिकित्सा मिले, यही हम लोगों की सोच है। अब हम सोच भी नहीं सकते थे, आज डॉक्टर आसेरी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, उनकी टीम को भी। न्यूरो के आपके जो भी केसेस होते थे, जैसे ही मालूम पड़ता था कि न्यूरो का केस सीधे कोटा, कोटा से रेफर जयपुर, अब यहां 200 न्यूरो के आपके ट्रीटमेंट हो चुके हैं, ऑपरेशन हो चुके हैं। हमारे झालावाड़ के आसपास के इलाके के जो सक्सेसफुल हुए हैं, 70 आपके घुटनों के और हिप के रिप्लेसमेंट हुए हैं, जिसके लिए आपको दिल्ली और इंदौर वगैरह जाना पड़ता था, जयपुर जाना पड़ता था। मैंने इनको डॉक्टर साहब को यही कहा कि मेरे पास वो 70 को भेज दो ताकि राजा के साथ वो चाय पी सके तो हम देख सकेंगे कि वो वाकई में चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं, वो भी देखने का मुझे मौका मिल जाएगा। उसके साथ साथ 20 लोग ऐसे हैं जिनका इनने रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की है, रीढ़ की हड्डी, यहां तो सोच भी नहीं सकते, आज रीढ़ की हड्डी की सर्जरी भी वहां हुई है, वो भी डॉक्टर साहब मेरे को बता रहे हैं कि 100% सक्सेसफुल हुए हैं और वो भी हमारे झालावाड़ के लोगों की। उसके बाद नाम तो वैसे ही है, सब लोग जानते हैं सेठी जी के नाम से, परंतु ये कह रहे हैं कि भाई उसको तो वो लगवा देना पूरा। मैंने उससे पूछा, मैंने कितने हो गए, 3,399 केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसका सबसे लोएस्ट प्राइस पे आज डायलिसिस हो रहा है, और फर्स्ट बैच टेक्नीशियंस के 20 लोग जो टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग किए हैं वो आजकल में ही पास आउट हो रहे हैं,
द फर्स्ट बैच आपका उसमें से निकल गया है. मैं कह रही हूं कि इसमें कितने बैचेस निकलेंगे, कितने डायलिसिस मशीन्स को ऑपरेशन करवाएंगे, कितने सारे लोगों को जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको इसकी मदद होगी. सोचो कितना बड़ा काम हुआ है. इसके बाद हॉस्पिटल्स के बाथरूम. अब आप ही लोग आते हो, यहां लोग बीमार होते हैं, झालावाड़ के बच्चे बीमार होते हैं, झालावाड़ के लोग आते हैं. मैं फिर कह रही हूं डॉक्टर साहब आप बाथरूम में लोग कैसे जाते हैं उसका भी एक प्रशिक्षण करो. मैं देख के हैरान हूं कि ये बाथरूम के साथ क्या हालात करके रखे हैं. अबे मैं फिर उसको ठीक करा रही हूं. उसके बाद मैंने कहा आप बड़ा पोस्टर लगाइए कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है. उसके अंदर कुछ भी चीज हाथ में आए उसको घुसेड़ना नहीं है, उसको साफ रखने की कोशिश करनी है. हम जैसे गए वैसे ही दूसरे के लिए हमको वो बाथरूम छोड़ना है. समझ में आई? नहीं तो मैं ये बाथरूम बंद कर दूंगी और बाहर वैन लगा दूंगी, जिसको बाहर जाना है जाओ, अंदर हॉस्पिटल में नहीं. अग्रीड? मंजूर है क्या आप लोग सबसे? मंजूर है? ओके. पान कोई नहीं थूकेगा, कोई नहीं वो क्या बोलते हैं रजनीगंधा और क्या 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 जेब में रखते हैं वो, कोई अंदर जाके नहीं थूकेगा. बाहर करो ना जो करना है, वो डिब्बे रखे उसमें करो. और पहले आप लोगों को खाना भी नहीं चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए बुरा है. तो डॉक्टर साहब आप अपने गार्ड्स को बोल दीजिए पहले उनके जेब में हाथ डालो जो भी अंदर घुसता है. उसके पास रजनीगंधा का पैकेट है तो कॉन्फिस्केट कर लो, क्योंकि इनके सेहत के लिए बुरा है. मेरे अस्पताल में इनकी सेहत बिगाड़ने के लिए मैं इनको रजनीगंधा नहीं खिला रही. नंबर एक. नंबर दो, अगर कोई भी थूकता हुआ आपको दिखाई दिया तो 50 रुपए फाइन तुरंत ही पकड़ के आप दे दीजिए. तो अंदर कोई थूकेगा नहीं, कोई दीवार के ऊपर थूकेगा नहीं. हॉस्पिटल के अंदर कोई भी किसी किस्म की गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां मरीज हैं, आपके भी मरीज हैं. वो मरीज और बीमार हो ऐसी परिस्थिति हम लोग नहीं होने देंगे. इसलिए अग्रीड? मंजूर है कि नहीं? 50 रुपए फाइन और रजनीगंधा का पैकेट जब्त. रेडी? मंजूर है? हाँ करो ऊपर जितना भी. हाँ हॉस्पिटल में हम रजनीगंधा नहीं खाएंगे. ओके ये करेक्ट सर. अपन ये पहला स्टेप है ताकि वहां भी करते होंगे. अब नहीं वहां भी शुरू कर दीजिए. जानवर के लोगों के सेहत को बनाने का काम हम करने वाले हैं, उसको बिगाड़ने का काम आप लोग कोई किसी को भी अलाउड नहीं है. सुन रहे हो आप लोग सब? दुखी मत हो, आप से कोई खा रहा है तो छोड़ दो. पहले बता रही हूं मैं आपको, कोई भी नहीं करेगा. सीएचसी पिड़ावा. अब ये सी पिड़ावा का है कोई यहां? हाथ ऊपर करोगे रहे तो. हाँ आप लोग दोनों जन नहीं, आपको बैठ जाओ. और राम और श्याम आपको बैठ जाओ. और कोई है पिड़ावा का? हरिमोहन जी तो घूम रहे थे, कहां गए? कहां है? हाँ सुन लो आप लोग पिड़ावा वाले, आप अपने सीएचसी को जाके देखो. पिड़ावा में भी इटर्नल हार्ट हॉस्पिटल ने अपना अपनी सेवा देने का काम किया है. डायरेक्ट कनेक्शन है आप लोगों का. पिड़ावा के सीएचसी को डायरेक्ट हॉस्पिटल इटर्नल हार्ट केयर हॉस्पिटल को जोड़ने का हमने काम किया है. तो आपको यहां तक भी नहीं आने की जरूरत है. वहां कोई अच्छा आपका डॉक्टर होगा तो तुरंत ही आपकी ट्रीटमेंट वहां कर देगा. पिड़ावा का आदमी पिड़ावा में आराम से रुक सकता है. जाकर देखा हो. टेलीमेडिसिन की पूरी पूरी तैयारियां हम लोगों ने यहां कर ली है. तो माउंट साइनाय के साथ भी टेलीमेडिसिन होगा, इटर्नल हार्ट हॉस्पिटल के साथ भी आपका टेलीमेडिसिन होगा. और बड़े आराम से आप लोगों की कोई बीमारी है तो वो डॉक्टर पूछेगा, उनका जो स्पेशलिस्ट है वो उस पर बैठेगा और वो तुरंत ही बताएगा कि भाई आपको ये ट्रीटमेंट देना है, ये ट्रीटमेंट से आपको इतना फायदा हो जाएगा. मैं इटर्नल हार्ट हॉस्पिटल को फिर धन्यवाद देना चाहती हूं. देखा मैंने कहा था आप धन्यवाद बोलते हो तो कितना अच्छा मन हो जाता. और मंजू जी आपको फिर मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि आप लोगों ने फिर हमको एक कमिटमेंट दिया है कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स हमें देंगे स्पेशलिस्ट और नर्सेस के रूप में कई लंबे समय तक, ताकि ये जो आपके इसी आपका
ईआईसीयू आपके जो नीचे के दो जो कार्य हो रहे हैं उन सब कार्य के लिए स्पेशलिस्ट लोग हमको मिलेंगे और नर्सेस भी आपके यहाँ होंगे। अब इससे ज्यादा आपको क्या मिल सकता है, ताली तो बजा दो। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना सारा काम, मैं धन्यवाद आपको काफी नहीं दे पा रही हूँ, इनकी तरफ से मैं कह रही हूँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाना जानते हैं आजकल भूल रहे हैं क्योंकि उनको इतने साथ आसानी से मिल जाता है काम। इसके साथ साथ पेशेंट भी हैंडल करेंगे, उसका रिजल्ट भी आप लोगों को, रिजल्ट भी हमको देंगे। ये जो हमारे आईसीयू के अंदर है जो डॉक्टर्स नर्सेस जाएंगे उनको ट्रेनिंग देने का काम भी इंटरनल हार्ट सेंटर करने वाला है। वो ट्रेन भी करेगा, पेशेंट को किस तरीके से प्यार से हैंडल किया जाता है वो बताएगा और हमको रिजल्ट देके छोड़ेगा कि भाई हमारे आपकी ट्रेनिंग हुई है, इस ट्रेनिंग से आपको इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स पेशेंट्स डॉक्टर्स एंड नर्स आपको मिले। इसका फायदा भी होगा, आपको भी महसूस होगा, भगवान न करे किसी को आईसीयू में जाना पड़े तो। दोनों घोषणाएं हो गई हैं, ताली बजा दो। 300 नहीं, वो तो ठीक है, तो टोटल 300। यूजी के 50-60 बढ़ा दिए, 50 सीट बढ़ा दिए हैं और पीजी के 45 सीट आपके बढ़ा दिए हैं। ये वन ऑफ द फ्यू हॉस्पिटल जिसने एमसीआई का वो जो इंस्पेक्शन है वो पास किया है, तो इसलिए भैया आगे बढ़ने पे आ गया। और एक और बड़ी चीज है कि ऊपर वाले माले पे उसको इतना तगड़ा बना दिया है कि कल उसके ऊपर हेलीकॉप्टर भी लैंड हो सकता है। हेलीकॉप्टर अगर बहुत ज्यादा कोई सीरियस पेशेंट है तो उसको पिकअप करके हॉस्पिटल में डायरेक्टली ला सकता है, और यहां से अगर उसको नई ट्रीटमेंट होता है समझोगे तो, मैं समझती नहीं हूं, परंतु अगर उसको आगे ले जाने की जरूरत है तो यहां से हमारे हवाई पट्टी के ऊपर ले जाने का काम वो कर सकता है, जहां से फिर दिल्ली के लिए स्पेशल एयर एम्बुलेंस आके उनको ले जा सकती है। तो ये मैं समझती हूं कि कोई भी हॉस्पिटल राजस्थान के अंदर अभी तक नहीं हुआ है। क्या कहते हैं अपन जो से, क्या कहते हैं, थैंक यू। नहीं, मेरे को अमर क्यों कर रहे हो भैया, अभी तो मैं यही हूं। हाँ, आप लोग सबको ये आज पूरे काम हम समर्पित करते हैं और मैं ये विश्वास करती हूं कि आप अपने इस अस्पताल में, आपसे और कुछ नहीं चाहती, पैसे भी हम लोगों ने दे दिए हैं, अभी मैंने करीबन 50,000 करोड़ दिए हैं आपके हेलीपैड और आपके नए क्लासेस और वो सब के लिए, इसी साल के लिए 40 करोड़ रुपए और मैंने दिए हुए हैं यहाँ अस्पताल के अंदर। तो ये सब डॉक्टर साहब ने जो भी मांगे थे उन सब चीजों का रिकॉग्निशन करने का काम हम कर रहे हैं, और आपसे तीन चीजें मांग रही हूं। एक, ये कैंपस गंदा नहीं करेंगे। नंबर एक, मंजूर आओ, माता है बहने आप लोगों को भी करना पड़ेगा, गंदगी यहां नहीं हो सकती। आपका ही बेचा बच्चा जो भी आपने घर का आदमी जा रहा है, सब लोग मंजूर करें कि गंदगी ऐसे अस्पताल में अपन नहीं करेंगे। नंबर दो, बाथरूम में कैसे जाना है उसको समझ बूझ करके जाके उस बाथरूम के अंदर कुछ भी चीज गुजरने का काम नहीं करेंगे। इनको बताओ डॉक्टर कि उसमें रजाइयां घुसाई गई हैं, अब कैसे फिट किया है आप लोगों ने रजाई, मालूम नहीं क्या सोचा आप लोगों ने कि इसके अंदर है, और सबसे पहले रजाई घुसा दी। अब ये A-class हॉस्पिटल, ये ऐसा काम नहीं होगा, नहीं तो हॉस्पिटल को बंद, मैंने ये मैं बाथरूम को बंद करके नीचे वो वैन खड़ी कर दूंगी, तो पहले से ही सोच लो। और तीसरा, नो स्पिटिंग, नो थूकोइंग, नो कोई थूकेगा नहीं, आ गया, नो रजनीगंधा इन हॉस्पिटल। मंजूर, कितने भी दुखी हो गए मंजूर, माता देने इसे गंदी आदतें तो रुकवाओ, करो आप हाथ ऊपर करके बोलो कौन खरीदता है और खाता है। मैंने इनको कह दिया हॉस्पिटल के अंदर कोई थूकेगा नहीं, बाहर किसी के जेब में मिल गया तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा। ये तीन चीज ही मैं आपसे मांगती हूं, और ये हॉस्पिटल को बढ़िया से बढ़िया अभी और बनाएंगे ताकि आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, आप झालावाड़ में बैठ के सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट आपको यहीं मिल जाएगी। फिर से मैं आप सबकी ओर से डॉक्टर आसेरी उनकी टीम और मंजू जी और उनकी टीम, मंजू जी आपको बहुत सारा मेरा धन्यवाद
कि कनेक्ट करोगे आप मेरे को माउंट साइनाई से, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं पूरे झालावाड़ के सभी व्यक्तियों से की ओर से, पूरी जनता की ओर से आपका और आपके हॉस्पिटल के निवासियों को जो आप यहाँ आए हैं उनको बहुत सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े तीन किलोमीटर भवानी मंडी रोड, 10.5 करोड़ की, खानपुर के अंदर 2.5 किलोमीटर, 7 करोड़ की, सुनेल सिटी 2 करोड़, अब और मनोहर थाना के धरनावदा और राजगढ़ दोनों के पुल, दोनों के पुलिया वो 5 करोड़। अब रोज रोज आदत में मन पड़ जाना। वसुंधरा राजे जिंदाबाद। धन्यवाद।